वेलकम बैक आज हम क्लास ट्वेल्थ इकोनॉमिक्स का चैप्टर फोर स्टार्ट करेंगे सप्लाई एनालिसिस इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम डिटेल में सप्लाई के बारे में स्टडी करने वाले हैं सो चैप्टर स्टार्ट करते हैं लेट्स सी सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं सो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन द स्टडी ऑफ सप्लाई इज एज इंपॉर्टेंट एज द स्टडी ऑफ डिमांड सो जितना डिमांड की स्टडी इंपॉर्टेंट है उतना ही सप्लाई की स्टडी भी इंपॉर्टेंट है हमने डिमांड जो है वो डिटेल में स्टडी कर लिया चैप्टर थ्री ए एंड चैप्टर थ्री बी दैट इज हमने डिमांड के दो चैप्टर स्टडी किए राइट right? इसका मतलब ये नहीं कि डिमांड ज्यादा इम्पॉर्टेंट है सप्लाई कम इम्पॉर्टेंट है जितना डिमांड इंपॉर्टेंट है उतना ही सप्लाई भी इम्पॉर्टेंट है दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है और राइट सप्लाई इज अ फंडामेंटल इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट दैट डिस्क्राइब्स दोटल अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक गुड्स और सर्विसेज दैट इज अवेलेबल टू अ सेलर सो सप्लाई ये बहुत ही फंडामेंटल इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है काफी इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है अब हम किस तरीके से सप्लाई को डिस्क्राइब कर सकते हैं सो सप्लाई मतलब क्या टोटल अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक गुड्स और सर्विसेज दैट इज अवेलेबल टू अ सेलर सेलर मतलब कौन दुकानदार जो सामान बेचता है राइट सो सेलर के पास जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल है जितनी भी क्वांटिटी में गुड्स एंड सर्विसेज़ अवेलेबल है सेल करने के लिए बेचने के लिए उसे हम कहते हैं सप्लाई और The total amount of goods or services is available for sale at any specific price is known as supply. So supply का मतलब क्या है जितने भी goods and services available होते हैं seller के पास sale करने के लिए बेचने के लिए एक specific price के ऊपर उसे हम बोलते हैं supply. All राइट right. मतलब सप्लाई का मतलब क्या है दुकानदार के पास जितना भी सामान अवेलेबल है वो एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर उसे सेल करता है बेचता है तो वो क्या हो गया सप्लाई राइट नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल आउटपुट स्टॉक एंड सप्लाई सो अभी यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट स्टडी करने वाले हैं ये तीनों कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है दैट इज टोटल आउटपुट क्या होता है स्टॉक क्या होता है एंड सप्लाई क्या होता है ऑल राइट right? एक एक करके हम स्टडी करेंगे वेरी फर्स्ट इज टोटल आउटपुट तो लेट स्टार्ट आउटपुट इज़ प्रोड्यूस्ड इन दी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन सो प्रोडक्शन का एक प्रोसेस होता है राइट right? उसका जो फाइनल रिजल्ट होता है हम उसे कहते हैं आउटपुट और राइट अगर एग्जाम्पल से समझे फॉर एग्जाम्पल एक फार्मर है फार्मर गेहूं की खेती कर रहा है वो वीट कल्टीवेट कर रहा है राइट right? मतलब वो प्रोडक्शन कर रहा है किसका वीट का तो प्रोडक्शन का एक प्रोसेस होता है खेती जब वो कर रहा होता है राइट right? तो उसका एक प्रोसेस होता है एक टाइम लगता है तो वो क्या है प्रोसेस राइट बट जब अल्टीमेटली गेहूं प्रोड्यूस हो जाता है वीट जब कल्टीवेट हो जाती है तो वो क्या हो गया आउटपुट हो गया और राइट right? प्रोडक्शन तो का जो प्रोसेस है उसका जो फाइनल रिजल्ट है गेहूँ जब फाइनली प्रोड्यूस होता है कल्टीवेट होता है तो वो क्या हो गया आउटपुट राइट उसी तरीके से फैक्ट्री के अंदर अब कंपनी फैक्ट्री के अंदर बिस्किट्स अगर प्रोड्यूस हो रहे हैं राइट right? मतलब बिस्किट की फैक्ट्री है तो वहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है बिस्किट तो आउटपुट हो गया फाइनल रिजल्ट हो गया बट उसके लिए सबसे पहले तो हमें रॉ मटेरियल डालना पड़ेगा आटा डालना पड़ेगा मिल्क डालना पड़ेगा पानी चीनी सारी चीज़ें हम मिक्स करेंगे ऑयल डालना पड़ेगा वो क्या होगा मशीन के अंदर पहले पूरा मिक्स होगा उसके बाद फिर वो बेक होगा एंड देन फाइनल रिजल्ट जो है वो क्या होगा बिस्किट बन के तैयार होगा मतलब बिस्किट क्या है फाइनल आउटपुट है राइट right? तो प्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है जब कोई सामान प्रोड्यूस होता है तो हम उसे क्या कहते हैं आउटपुट और राइट अब टोटल आउटपुट क्या है टोटल आउटपुट कैन बी डिफाइंड एज दी टोटल ऑफ द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी प्रोड्यूस्ड एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी सो टोटल आउटपुट मतलब क्या जितनी भी कमोडिटी है कमोडिटी मतलब कोई भी गुड्स राइट right? कमोडिटी का जितना भी क्वांटिटी प्रोड्यूस होता है एक पर्टिकुलर गिवन टाइम में पूरे के पूरे इकोनॉमी में कंट्री में हम उसे कहते हैं टोटल आउटपुट राइट दैट इज एक कंट्री के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम पे जितनी भी क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी प्रोड्यूस होती है बनती है उसे हम कहते हैं टोटल आउटपुट और प्रोडक्शन लीड्स टू कंजम्पशन अब प्रोडक्शन की वजह से ही कंजम्पन होता है प्रोडक्शन मतलब क्या सामान बनता है अब सामान अगर बनेगा तो ही तो कंज्यूम होगा कंज्यूम करना मतलब क्या उसको हम खाते हैं इस्तेमाल करते हैं यूज़ करते हैं सो प्रोडक्शन लीड्स टू कंजम्पशन इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इनपुट्स आर कन्वर्टेड इन टू आउटपुट और फाइनल गुड्स सो यहाँ पे क्या बोला है प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उसके अंदर इनपुट्स जो हैं जो चीज़ें हम पहले इनपुट डालते हैं वो इनपुट जो है वो कन्वर्ट होता है किसमें आउटपुट में या फिर फाइनल गुड्स में राइट right? मतलब फैक्ट्री में अगर बिस्किट बन रहा है तो सबसे पहले बिस्किट बनाने के लिए हमें इनपुट डालना पड़ेगा रॉ मटेरियल डालना पड़ेगा वो रॉ मटेरियल जो है वो मशीन में कन्वर्ट होगा ब्लेंड होगा उसके बाद बेक होगा देन फाइनली आउटपुट हमें मिलेगा फाइनल गुड्स मिलेगा बिस्किट बन के आएगा तो वो जो बिस्किट बन के आता है उसे हम क्या कहते हैं फाइनल गुड्स या फिर आउटपुट और right. ये है टोटल आउटपुट और नेक्स्ट इज स्टॉक अब स्टॉक क्या होता है लेट्स सी स्टॉक इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी अवेलेबल फॉर सेल विद अ सेलर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम तो स्टॉक का मतलब क्या है प्रोड्यूस तो हो गया सामान मतलब सामान बन गया लेकिन अब वो बना हुआ सामान कहीं ना कहीं रखा जाएगा तो उसे हम क्या कहते हैं स्टॉक मतलब जितना भी क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी अवेलेबल होता है सेल करने के लिए बेचने के लिए सेलर के पास एक पर्टिकुलर टाइम पे उसे हम कहते हैं स्टॉक राइट right? मतलब दुकानदार के पास सामान बेचने के लिए जितना भी सामान अवेलेबल होता है एक टाइम पर उसे कहते हैं स्टॉक और राइट इट इज़ अ सोर्स ऑफ सप्लाई अब स्टॉक क्या है सोर्स ऑफ सप्लाई मतलब अगर सामान होगा ही नहीं स्टॉक नहीं होगा तो वो सामान सप्लाई नहीं कर पाएगा बेच नहीं पाएगा राइट right? तो सप्लाई स्टॉक क्या है इट इज अ सोर्स ऑफ सप्लाई मतलब सामान होना जरूरी है स्टॉक होगा तो ही चीज़ें सप्लाई हो पाएगी और राइट इट इज़ अ पोटेंशियल सप्लाई तो इसे हम क्या कहते हैं पोटेंशियल सप्लाई मतलब कि एक्चुअली कितना सप्लाई स्टॉक है तो जितना भी हम एक्चुअली सप्लाई करते हैं सेल करते हैं उसे हम कहते हैं पोटेंशियल सप्लाई और राइट बाई इंक्रीजिंग प्रोडक्शन सप्लाई कैन बी इंक्री स्टॉक कैन बी इंक्रीज अब स्टॉक जो है वो किस तरीके से इंक्रीज किया जा सकता है प्रोडक्शन अगर हम इंक्रीज़ करेंगे तो स्टॉक भी इंक्रीज हो सकता है मतलब फैक्ट्री में सामान बन रहा है राइट right? तो जितना भी सामान बनता है वो कहीं ना कहीं स्टोर करके रखा जाता है राइट right? अभी बिस्किट्स अगर प्रोड्यूस हो रहे हैं तो वन लाख बिस्किट्स अगर प्रोड्यूस होते हैं वन लाख बिस्किट्स के अगर पैकेट प्रोड्यूस हो रहे हैं मतलब वो जो वन लाख पैकेट ऑफ बिस्किट्स है वो क्या है स्टॉक है हमारा राइट right? तो अगर स्टॉक इंक्रीज करना है एक लाख बिस्किट्स का पैकेट और अगर इंक्रीज करना है स्टॉक इंक्रीज़ कब होगा अगर प्रोडक्शन इंक्रीज होगा मतलब हम ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो ज़्यादा स्टॉक होगा और राइट विदाउट स्टॉक सप्लाई इज नॉट पॉसिबल तो स्टॉक अगर नहीं होगा तो हम कोई भी सामान सप्लाई नहीं कर पाएंगे राइट right? मतलब स्टॉक में सामान होना चाहिए स्टॉक होगा तो ही सप्लाई पॉसिबल है अगर सामान ही नहीं है गोडाउन में फैक्ट्री में स्टॉक है ही नहीं तो सप्लाई भी नहीं होगा राइट right? तो स्टॉक होगा तो ही सप्लाई पॉसिबल है नॉर्मली स्टॉक एग्जीट सप्लाई एंड इट इज़ फिक्स्ड एंड इन इलास्टिक अगर नॉर्मली मोस्टली देखा जाए तो स्टॉक जो होता है वो ज़्यादा होता है सप्लाई जो होता है वो कम होता है मतलब फैक्ट्री में बहुत ज़्यादा सामान जो है वो एक साथ में बनता है प्रोड्यूस होता है राइट right? मतलब स्टॉक हमेशा ज़्यादा होता है और जितना चाहिए फिर उतना धीरे धीरे सप्लाई करते हैं राइट right? तो सप्लाई जो होता है वो हमेशा कम होता है स्टॉक हमेशा ज़्यादा होता है right. और राइट और स्टॉक जो है वो क्या होता है फिक्स एंड इन इलास्टिक होता है और राइट केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स सच एस मिल्क फिश एक्सेट्रा स्टॉक में भी इक्वल टू सप्लाई मगर कुछ केसेस ऐसे होते हैं जैसे कि पेरिशेबल गुड्स पेरिशेबल गुड्स मतलब ऐसा सामान जो कि जल्दी खराब हो जाता है राइट right? जैसे मिल्क हो गया फिशेस हो गए तो ये क्या है पेरिशेबल गुड्स मतलब कि हम उसको ज्यादा दिन तक स्टोर करके नहीं रख सकते और राइट right. तो ये सारी चीज़ें क्या है जल्दी ख़राब होने वाली सामान है गुड्स है तो इसको हम क्या करते हैं इसका जो स्टॉक होता है वो इक्वल होता है सप्लाई के लिए मतलब जितना ये सामान स्टॉक में होगा वो पूरा का पूरा हम सप्लाई कर सकते हैं सो स्टॉक कैन बी इक्वल टू सप्लाई इन केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स राइट जितना दूध होता है वो पूरा का पूरा हम क्या कर सकते हैं सप्लाई कर सकते हैं सेल करने के लिए दे सकते हैं और बट ऑन दी अदर हैंड फॉर ड्यूरेबल गुड्स सचस फर्नीचर गारमेंट्स एक्सेट्रा स्टॉक कैन एक्जीट दी सप्लाई लेकिन वहीं अगर हम ड्यूरेबल गुड्स की बात करें ड्यूरेबल गुड्स मतलब ऐसा गुड्स जो कि सालों साल तक चलता है हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं और वो ख़राब भी नहीं होगा जैसे फर्नीचर हो गया गारमेंट्स कपड़े हो गए हम उसको रख सकते हैं राइट और जल्दी वो ख़राब भी नहीं होगा तो उस केस में ऐसे सारे गुड्स के केस में क्या होगा स्टॉक जो है वो ज़्यादा होगा और सप्लाई जो है वो कम होगा मतलब ज़्यादा सामान एक साथ में प्रोड्यूस करके रखा जाएगा और धीरे धीरे फिर उसको सप्लाई किया जाएगा और right. ये है स्टॉक और राइट नेक्स्ट इज सप्लाई अब सप्लाई क्या है देख लेते हैं सप्लाई इज़ अ रिलेटिव टर्म इट इज़ ऑलवेज एक्सप्रेस इन रिलेशन टू प्राइस टाइम एंड क्वान्टिटी सो सप्लाई क्या है ये रिलेटिव टर्म है मतलब सप्लाई जो है हमेशा किसी ना किसी चीज़ से रिलेट करता है किसी ना किसी फैक्टर से रिलेट करता है सो सप्लाई इज ऑलवेज़ रिलेटेड टू प्राइस टाइम एंड क्वांटिटी कितना प्राइस के ऊपर सप्लाई करना है सामान कितने टाइम पे करना है कितनी क्वांटिटी में सप्लाई करना है राइट right? तो सप्लाई जो है वो रिलेटिव टर्म है जो कि हमेशा किसके साथ में एक्सप्रेस किया जाता, जाता है रिलेट किया जाता है प्राइस टाइम एंड क्वांटिटी और राइट नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ सप्लाई अब सप्लाई क्या है उसका मीनिंग देख लेते हैं द वर्ड सप्लाई इम्प्लाईज द वेरियस क्वान्टिटीज ऑफ कमोडिटी ऑफर्ड फॉर सेल बाय प्रोड्यूसर्स ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एट अ गिवन प्राइस सो so, ये जो वर्ड है सप्लाई इसका मतलब क्या है इसका मीनिंग क्या है दैट वेरियस क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी कितनी क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी जो है वो ऑफर की जा रही है फॉर सेल बेचने के लिए कितनी क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी ऑफर कर कौन ऑफर कर रहा है प्रोड्यूसर बिकॉज प्रोड्यूसर इज द वन जो कि सामान प्रोड्यूस करता है बनाता है राइट right? सो so, कितनी क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी ऑफर की जा रही है बेचने के लिए बाय प्रोड्यूसर ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एट अ गिवन प्राइस उसे हम क्या कहते हैं सप्लाई और इट इज़ रिलेटेड टू टाइम एंड प्राइस और जो सप्लाई है वो हमेशा टाइम और प्राइस के साथ में ही जुड़ा हुआ रहता है रिलेट करता है राइट right? बिकॉज कितनी क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी सप्लाई की जा रही है ऑफर की जा रही है बेचने के लिए तो वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड जो होता है उसमें डिसाइड की जाती है और कितने प्राइस के ऊपर सप्लाई करना है राइट right? इसके लिए सप्लाई जो है वो हमेशा टाइम एंड प्राइस के साथ में ही रिलेट किया जाता है और राइट नेक्स्ट देख लेते हैं हम सप्लाई इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट और ये जो सप्लाई है वो क्या ये है ये फ्लो कॉन्सेप्ट है बिकॉज सप्लाई का मतलब क्या है सामान एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचाना फ्लो करना प्रोड्यूसर जो है जो सामान बनाता है वो क्या करता है सेलर को सामान सेल करता है देता है तो सप्लाई क्या ये फ्लो कर रहा है एक जगह से दूसरे जगह पे इससे इसीलिए हम इसे फ्लो कॉन्सेप्ट कहते हैं इट रेफर्स टू दी अमाउंट ऑफ कमोडिटी दैट दी फॉर्म प्रोड्यूस एंड ऑफर फॉर सेल इन द मार्केट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम से अ वीक अ डे अ मंथ और अ ईयर सो सप्लाई रिफर्स टू दी अमाउंट ऑफ कमोडिटी दैट अ फॉर्म प्रोड्यूसम फैक्ट्री के अंदर जितना भी अमाउंट ऑफ कमोडिटी प्रोड्यूस होता है मैन्युफैक्चर होता है बनता है और कितना ऑफर किया जा रहा है मार्केट में बेचने के लिए और राइट दैट इज फैक्ट्री में तो सामान बहुत बनता है लेकिन मार्केट में कितना ऑफर किया जा रहा है सेल करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे चाहे वो एक दिन के लिए हो एक हफ्ते में हो एक महीने में हो या एक साल के लिए हो उसे हम कहते हैं सप्लाई राइट ये होता है सप्लाई नेक्स्ट इज यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट गिवन है दैट इज यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम गिवन है कि स्टॉक क्या है एंड सप्लाई क्या है ये एक बार डायग्राम देख लेते हैं तो फिर आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली स्टॉक क्या है एंड सप्लाई क्या है तो यहाँ पे स्टॉक मतलब क्या अब यहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंगोज का ट्री है राइट पेड़ है बहुत सारे तो ये प्रोड्यूस हो रहा है राइट एंड जो बास्केट में आप देख रहे हैं यहाँ पे सब कलेक्ट करके रखा हुआ है मतलब ये क्या है जो कलेक्ट करके रखा हुआ है वो क्या है स्टॉक है राइट इसको हम बोलते हैं स्टॉक अब स्टॉक है तो स्टॉक होगा तो ही तो सामान सप्लाई हो पाएगा राइट के वजह से यहाँ पे स्टॉक होना जरूरी है बिकॉज विदाउट स्टॉक सप्लाई इज़ नॉट पॉसिबल राइट जो कि हमने स्टडी किया था स्टॉक के अंदर कि स्टॉक होगा तो ही सप्लाई हो पाएगा दैट इज़ सामान यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ जो मैंगोज़ है वो पहले प्रोड्यूस हुए राइट झाड़ में मैंग झाड़ होगा तो ही मैंगोज़ आएंगे अब मैंगोज आए तो मैंगोज जो है वो कलेक्ट करके रखे गए हैं बास्केट में कलेक्ट करके रखा है मतलब कि स्टॉक है स्टॉक है इसके लिए यहाँ पे जो सेलर है जो दुकानदार है वो क्या कर रहा है सप्लाई कर पा रहा है ये होता है स्टॉक एंड ये होता है सप्लाई और राइट नेक्स्ट जो देख लेते हैं डेफिनेशन ऑफ सप्लाई अब सप्लाई का डेफिनेशन क्या लेट सी अकॉर्डिंग टू पॉल सैम्युलसन सप्लाई रिफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट प्राइस एंड द अमाउंट ऑफ गुड्स दैट प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई सो यहाँ पे सप्लाई का डेफिनेशन क्या बताया है अकॉर्डिंग टू पॉल सैम्युलसन पॉल सैम्युलसन ने सप्लाई क्या बताया है सप्लाई क्या है इट रेफर्स टू रिलेशन बिटवीन मार्केट प्राइस एंड द अमाउंट ऑफ गुड्स दैट प्रोड्यूसर आर विलिंग टू सप्लाई मतलब क्या मार्केट के अंदर प्राइस क्या चल रहा है और प्रोड्यूसर कितना सामान अपनी मर्जी से अपनी इच्छा से सप्लाई करना चाहता है वो होता है सप्लाई राइट बिकॉज़ फैक्ट्री में सामान तो बहुत सारा बनता है प्रोड्यूस होकर रखता है मतलब क्या है सामान तो बन चुका प्रोड्यूसर ने सामान बनाया है लेकिन जितना भी सामान उसने बनाया है उसमें से वो अपनी इच्छा से कितना वो विलिंगनेस कर रहा है सप्लाई करने के लिए ये किसके ऊपर डिपेंड करता है मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है राइट right? इसके लिए यहाँ पे क्या बताए सप्लाई रेफर जो रिलेशन बिटवीन मार्केट प्राइस मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है और कितना अमाउंट ऑफ गुड्स कितना प्रोड्यूसर अपनी इच्छा से सप्लाई करना चाहता है ये है सप्लाई और राइट नेक्स्ट इज सप्लाई रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट अ सेलर इज बिल्डिंग एंड एबल टू ऑफर फॉर सेल एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम सो यहाँ पे सप्लाई क्या बताया बताएगी सप्लाई एक्चुअली क्या है द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी कितनी क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी सेलर जो दुकानदार है वो अपनी मर्जी से बिल्डिंग मतलब अपनी मर्जी से अपनी इच्छा से वो बेचना चाहता है ऑफर करना चाहता है सेल करने के लिए एक पर्टिकुलर प्राइस जो कि गिवन है उस प्राइस के ऊपर वो कितना लोगों को बेचना चाहता है ऑफर कर रहा है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उसको हम क्या बोलते हैं सप्लाई एग्जाम्पल गिवन एग्जाम्पल से हम देखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से इजीली समझ में आएगा सो लेट्स सी, फॉर एग्जाम्पल अ फार्मर्स टोटल आउटपुट ऑफ राइस इज फोर थाउजेंड अब एक फार्मर है जो कि क्या कर रहा है राइस प्रोड्यूस कर रहा है राइट right? तो राइस वो क्या कर रहा है खेती कर रहा है चावल की तो वो चार हजार के जीज ऑफ राइस क्या कर रहा है कल्टिवेट कर रहा है तो उसका चार हज़ार के जीज क्या है आउटपुट मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस का फाइनल रिजल्ट है आउटपुट उसका चावल है राइट right? राइस है चार हजार के जीज उन्हें राइस क्या किया प्रोड्यूस किया है आउटपुट है उसका दिस इज़ अ टोटल स्टॉक अब ये उसने प्रोड्यूस कर दिया मतलब आउटपुट उतना जमा करके रखा है चार हजार के जी ऑफ राइस तो ये क्या है उसका टोटल स्टॉक है राइट right? स्टॉक होगा तभी तो वो सप्लाई कर पाएगा और राइट right? सो इफ़ द प्राइस इज रुपीज़ फोर्टी पर के जी ही ऑफर्स वन थाउजेंड के जी फॉर सेल और एक के जी का प्राइस कितना है चालीस रुपया मतलब वन के जी इज़ इक्वल टू फोर्टी रुपीज़ राइट और उसके पास कितना है टोटल राइस फोर थाउजेंड के जीस है और एक के जी का प्राइस है फोर्टी रुपीज़ और वो कितना ऑफर कर रहा है अपनी इच्छा से उसके पास है तो बहुत सारा उसने बहुत प्रोड्यूस करके रखा है लेकिन अपनी इच्छा से वो कितना ऑफर करना चाहता है सेल करने के लिए बेचने के लिए वन थाउजेंड के जी फॉर सेल ऑफ़र करना चाहता है तो ये जो वन थाउजेंड के जी है क्या है दिस इज़ दी एक्चुअल सप्लाई इसे हम क्या बोलेंगे एक्चुअल सप्लाई बोलेंगे ऑल राइट right, मतलब जितना प्रोड्यूस होता है टोटल फार्मर जितना प्रोड्यूस कर रहा है कल्टिवेट कर रहा है उसको हम सप्लाई नहीं बोलेंगे वो अपनी मर्जी से अपनी इच्छा से जितना वो सेल करने के लिए ऑफ़र कर रहा है हम उसको बोलते हैं सप्लाई ऑल राइट मतलब चार हज़ार के जी तो राइस उसके पास है और एक के जी का प्राइस कितना है फोर्टी रुपीज़ मार्केट में फोर्टी रुपीज़ पर के जी चल रहा है राइट right? और वो अपनी इच्छा से कितना ऑफर कर रहा है दैट इज़ 1000 थाउजेंड के जी ऑफर कर रहा है फॉर सेल तो ये क्या हो गया एक्चुअल सप्लाई मतलब रिलेशनशिप बता रहा है मार्केट प्राइस और प्रोड्यूसर अपनी मर्जी से कितना सप्लाई करने के लिए चाह रहा है ऑल राइट ऑफर कर रहा है सो आई होप अभी आपको समझ में आया होगा कि सप्लाई क्या है ऑल राइट सो यहाँ पर स्टॉप करते हैं नेक्स्ट जो है सप्लाई शेड्यूल सो सप्लाई शेड्यूल जो है वो नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे जिसके अंदर हमें इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल और मार्केट सप्लाई शेड्यूल जिसमें हमें टेबल एंड ग्राफ स्टडी करना है तो ये हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवरअप कर लेंगे और सो right? so, इस वीडियो में हमने चैप्टर फोर स्टार्ट किया है दैट इज सप्लाई एनालिसिस ऑल राइट दैट इज़ हमने फोर्थ चैप्टर स्टार्ट किया है इसके अंदर इकोनॉमिक्स का सप्लाई एनालिसिस जिसमें हमने इंट्रोडक्शन कवर अप किया देन हमने तीन कॉन्सेप्ट स्टडी किए दैट इज आउटपुट क्या है टोटल आउटपुट क्या है स्टॉक क्या है एंड सप्लाई क्या है देन हमने सप्लाई का मीनिंग एंड डेफिनेशन जो है वो अच्छे तरीके से स्टडी किया ऑल सो आई होप आपको इंट्रोडक्शन पार्ट जो था इस पर्टिकुलर चैप्टर का दैट इज चैप्टर फोर सप्लाई एनालिसिस वो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा नेक्स्ट जो है वो है हमारा शेड्यूल है दैट इज़ इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल एंड मार्केट सप्लाई शेड्यूल ये हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर अप कर लेंगे ऑल सो थैंक यू फॉर अर टाइम